Measuring angles using the protractor A protractor is a tool used for measuring angles. Protractors are usually semicircular in shape and look like the English letter D. Center point It is aligned over the vertex of the angle to be measured. Baseline It is aligned over one of the arms of the angle outer scale the angle of the other arm is read from one of the two scales whichever is more convenient let us measure the following angle xoy using the protractor place the center point of the protractor on the vertex o of the angle xoy Rotate the protractor so that its baseline coincides with the arm OY of the angle XOY. Use the inner scale to read the angle on the other arm OX of angle XOY. That is 60 degrees. Therefore, measure of the angle XOY is equal to 60 degrees. क्वेश्चन नंबर फ एक्सरसाइज नंबर फाइव पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेजर द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ प्रोटेक्टर एंड राइट देम इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड आपको क्या करना है यहाँ पे ये जो एंगल्स हैं इनको मेज़र करके आपको यहाँ पर बॉक्स में लिखना है अब मेज़र किससे करते हैं आपको प्रोटेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा ये होता है प्रोटेक्टर अब पहले आप इसमें देखिए इसमें दो लाइन से ये ज़ीरो से ऐसे जा रहा है और ये क्या हुआ वन एट्टी और फिर यहाँ से ज़ीरो से ये जा रहा है वन एट्टी तो अब ये दोनों साइड अलग अलग क्यों है क्योंकि जो भी राइट साइड होंगे वो उस एंगल को हम इस साइड से हम क्या करते हैं जो हमारा वर्टेक्स होता है हमने देखा है कि ये जो पॉइंट होता है वो क्या होता है वर्टेक्स होता है अब जैसे कि इस एंगल का फेस इस साइड है इस एंगल का फेस इस साइड और इस एंगल का फेस इस साइड तो इसके लिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सेंटर है अगर जिसका फेस राइट हैंड साइड पे हो मतलब इस साइड पे तो हम इसको मेजर इधर से करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट जीरो आ रहा है यहाँ पे तो हम इसे ऐसे देखेंगे फिर अगर हमारा जिस जो भी एंगल उसका फेस इस साइड आ रहा है वो तो हम इसको इधर से देखेंगे ठीक है अब जैसे फर्स्ट ये वाला है यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ता है ये जो पॉइंट है ये सेंटर हमारा जो वर्टेक्स का सेंटर है वहाँ रखते हैं और ये वाली लाइन है जो वो इस लाइन से एकदम स्ट्रेट हम मिला के रखेंगे ठीक है तो यहाँ रखा हमने इसको एकदम एग्जैक्टली ठीक है तो अब ये इस साइड है तो जीरो से जीरो टेन ट्वेंटी और ये वाली लाइन ये कहाँ आ रही है ये यहाँ पर मतलब ये एंगल कितने का है नाइन्टी डिग्री का कितने एंगल है नाइन्टी तो हम यहाँ क्या लिख देंगे नाइन्टी डिग्री अब वैसे ही अब ये इसका फेस इस साइड हम इसको एंगल को कैसे मेज़र करेंगे यहाँ रखा हमने फिर अब ये इसकी ये वाली लाइन किस साइड जा रही है इधर तो हम इसको मेज़र भी इधर से करेंगे यहाँ से हम ऊपर जाएंगे ऊपर ये फिफ्टी इस एंगल का मेज़रमेंट कितना है फिफ्टी फाइव तो हम यहाँ लिख देंगे फिफ्टी फाइव डिग्री इसका है हमारा डिग्री का तो ये वाला आप मेजर करेंगे आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड राइट दैम इन द बॉक्सेस विद देयर नेम्स आपको क्या करना है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को ढूंढ के उनका नाम लिखना है जैसे एक्यूट एंगल ऑप्ट्यूस एंगल और राइट एंगल ठीक है तो आपको यहाँ से ढूंढना है अब एक्यूट एंगल कौन सा जी ए बी तो कहा जी ए और बी एक्यूट एंगल क्या होता है जो इस मतलब ये तो इसके अंदर अंदर हो ठीक है तो आपको दिख रहा है ना ये यहाँ से एंगल के अंदर है मतलब नाइन्टी डिग्री से कम तो कौन सा एक्यूट एंगल ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्यूट एंगल ढूंढ के यहाँ सारे नाम लिखना है मैं सबको एक एक एग्जाम्पल बता रही हूँ बाकी सब आपको कंप्लीट करना है अब ऑप्टिस एंगल ऑप्ट्यूस एंगल कौन सा है जी बी सी तो जी बी और सी ये रहा जी बी सी तो क्या होता है ये कैसे होते हैं हमारे नाइन्टी डिग्री से बड़े मतलब इस साइड पर तो दिख रहे है ना ये ऐसा है और ये इधर है नाइन्टी डिग्री का एंगल तो ये ठीक है थीके? अब आपको क्या होता है ना राइट एंगल राइट एंगल कौन सा तो है जी एफ बी तो कहाँ है जी एफ और बी ये हमारा राइट right एंगल एक राइट right एंगल कौन सा भी बन रहा है ए बी सी तो ऐसे आपको यहाँ पर और नाम लिखना है अब क्वेश्चन नंबर थ्री यूज अ रूलर एंड ड्रॉ फाइव एंगल्स एक्यूट ऑप्टिवज़ एंड राइट एंगल इन योर नोटबुक मेजर देम यूजिंग प्रोटेक्टर एंड नाइट द मेजरमेंट अब आपको क्या करना है स्केल लेना है तो कोई से भी ड्रॉ फाइव एंगल्स कोई से भी पाँच एंगल बनाना है एक एक्यूट एक ऑप्टिव और एक राइट एंगल ठीक है इनके आपको एंगल्स बनाना है और दो अब आप कोई से भी और भी ले सकते हो इसमें से आपका मन चाहे आपको एंगल बनाना है ठीक है अब पांच एंगल बनाना है फिर वो किसका यूज़ करके आपको रूलर का और फिर उसके बाद आपको इसके प्रोटेक्टर से मेज़र करना है अब जैसे आ, मैं आपको जस एक जस्ट एन एग्जाम्पल बताती हूँ जैसे ये है मैंने एक एंगल ड्रॉ कर दिया ठीक है ये मैंने रूलर और स्केल और रूलर का यूज़ किया है फिर आपको ये प्रोटेक्टर रखे आप उसको रैंडमली बनाएंगे आप उसका कोई मेजरमेंट नहीं लेंगे फिर जो एंगल बनेगा फिर उसके बाद आप इसका मेजरमेंट लेंगे जैसे ये रहा तो ये मेरा कौन सा एंगल बना है नाइन्टी डिग्री का तो उसका नाम कुछ भी दे दो सी डी ई तो एंगल सी डी ई कितने डिग्री का है नाइन्टी डिग्री जैसे ये देना है ऐसे आपको रेंडमली कोई से भी पाँच बनाना है मन से और फिर उसके मेजर करके उनकी डिग्री लिखना है ठीक है अब अब क्या आता है सर्कल सर्कल में क्या होता है पार्ट्स ऑफ सर्कल क्या क्या होते हैं जैसे कि आपको दिख रहा है सर्कल बना हुआ है ठीक है तो सर्कल का जो एकदम ये जो स्ट्रेट लाइन होती है मतलब जो सर्कल को बीच में से एकदम इक्वली हाफ करती है ठीक है उसको क्या बोलते हैं है हम डायमीटर क्या बोलते हैं हम डायमीटर ओके फिर ये जो पॉइंट है ये इसको क्या बोलते हैं हम सेंटर और फिर जैसे जो सर्कल की ऐसी किसी भी एंगल से यहाँ ऐसे 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 कोई सी भी हाफ लाइन होती है वो क्या होती है रेडियस तो मतलब सर्कल की हाफ़ लाइन सेंटर में से वो होती है रेडियस ठीक है अब क्या है circumference? Circumference क्या होती है मतलब कि सर्कल की पूरा एरिया ठीक है मतलब का अब जैसे sides होती है तो तो हम हम इसको, इसको रूलर से measure कर देते तो हैं इस circumference, circle की circumference को कैसे measure करेंगे जैसा लिख देता है ना टू सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर पर अब सर्कल की सर्कम को हम कैसे मेजर तो उसके हम मेजरमेंट को क्या बोल देते हैं सरकम अब अब क्या होती है ठीक है सर्कम आप समझ गए ये देखिए सर्कल सर्कम फेरेंस कैन बी कॉल सर्कम फेरेंस पेरीमीटर ऑफ सर्कल सर्कम फेरेंस को पेरीमीटर बोल सकते हैं ठीक है हम सर्कल की कैसे सर्कम को किससे मेजर करते हैं थ्रेड से क्या करेंगे हम सर्कल जैसा वैसा वैसा थ्रेड रखेंगे फिर बाद में उस थ्रेड को हम स्ट्रेट करके हम उसका स्केल से मेजरमेंट करेंगे देन उसके बाद होती है कॉड कॉड क्या होती है जैसे अभी हमने देखा डायमीटर ये होती है रेडियस सेंटर में से निकलती है हमेशा किधर से निकलती है सेंटर में से तो अब इसके अलावा जैसे साइड में कोई सी भी दूसरी लाइन होती है ऐसे इधर कट कर रही है इधर कट कर रही है यहाँ से ऐसी कट कर रही है यहाँ से ऐसी कट कर रही है तो इन्हें क्या बोलते हैं कॉड क्या बोलते हैं कॉड जैसे ये रही ना डिफरेंट डिफरेंट ठीक है अब इसमें क्या बताना है अब ये जो सेंटर को क्रॉस करती है मतलब सेंटर तो में एकदम बराबर रहती वो क्या होती है डायमीटर ठीक है आया तो लेंथ सेगमेंट लाइन सेगमेंट बतानी है फिर आपको कॉर्ड और डायमीटर बताना है लेंथ बतानी है अब एक्सरसाइज नंबर फाइव पॉइंट फोर मेजर द सर्कम्फ्रेंस ऑफ अ सर्कल यूजिंग अ थ्रेड एंड अ रूलर अब आपको क्या करना है यहाँ पर सर्कमफ्रेंस को मेजर करना है किसका रूलर और थ्रेड का यूज करना है आपको इस थ्रेड लेना है ठीक है थ्रेड को लेके अभी सर्कल दिख रहा है तो आपको इसको ऐसे मेजर करना है जैसे थ्रेड को हमने सर्कल पे रखा ठीक है और फिर इसको हम पूरा ऐसा सर्कल लेंगे तो ये रहा सर्कल तो यहाँ सर्कल हमारा बन चुका है तो अब फिर ये जो है थ्रेड इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे फिर उसके बाद हम इस थ्रेड को क्या करेंगे यहाँ से मेजर करेंगे स्केल से मेजर करके आपको आता है जीरो पे रखा और ये कितना है मतलब ये सर्कल कितने का है थ्री पॉइंट हाफ सेंटीमीटर का यहाँ थ्री पॉइंट हाफ पे आया है थ्री पॉइंट फाइव का ऐसे ही आपको बाकी सारे मेजर करना है क्वेश्चन नंबर टू राइट द नेम ऑफ द मार्ग पार्ट ऑफ द सर्कल गिवन बी आपको क्या लिखना है सर्कल के मार्क पार्ट अब जैसे ये मार्क्ड है ये क्या है मैंने आपको क्या बताया था ये है सेंटर अब ये क्या होती है हमारी जो एकदम स्ट्रेट होती है वो डायमीटर तो आप यहाँ ऐसे डायमीटर लिखेंगे फिर यहाँ पर ये क्या होती है जो सर्कल के ऐसे निकलती है कोई से भी तो वो क्या होती है हमारी रेडियस फिर ये जो सेंटर को कट नहीं करती ऐसे भी हो जैसे ये किसी भी तरफ से हो सकती है ये ऐसे ऐसे अभी जैसे आपको बताया था यहाँ अब देखिए जैसे इसने यहाँ पर सर्कल को क्या किया सर्कल के सेंटर को क्रॉस कर दिया मतलब ये क्या बन गए डायमीटर तो ये कॉट नहीं कहलाएगी जो सर्कल को कट नहीं करे वो होती है हमारी कॉर्ड तो यहां पर क्या लिखेंगे कॉर्ड ऐसे ही फिर ये क्या कहलाता है सर्कल का सर्कम फ्रेंस तो हम लिख देंगे सर्कमेंस अब क्वेश्चन नंबर थ्री स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स आपको ट्रू और फॉल्स बताना है तो ए डायमीटर इज ऑल्सो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मतलब जो डायमीटर है सर्कल की वो कॉर्ड होती है तो ट्रू डिफरेंट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल कैन हैव अ डिफरेंट लेंथ मतलब जो डिफरेंट कॉर्ड है उनके डिफरेंट डिफरेंट लेंथ हो सकती है तो ये भी ट्रू है द लेंथ ऑफ अ रेडी ऑफ अफ अ सर्कल आर डिफरेंट मतलब जो रेडियस की लेंथ है वो डिफरेंट होती है उसमें आएगा फॉल्स क्यों क्योंकि रेडियस हमेशा सेंटर में से निकलती है ए सर्कल कैन हैव ओनली वन डायमीटर सर्कल की सिर्फ एक ही डायमीटर होती है तो वह है ट्रू यहाँ हुआ हमारा चैप्टर नंबर फाइव कंप्लीट